राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान में मतदान चल रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने A1 टीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कभी कामयाब नहीं होगी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, हमारे साथ है कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा साहब, मतदान आज हो रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स की आपको संभावना? कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की रहेगी, एक बहुत मजबूत संदेश पूरे देश में जाएगा। हम आश्वस्त हैं इस जीत को लेकर, एक एक वोट को लेकर हम आश्वस्त हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार रूपी ट्रक, जो शाम दाम दंडभेद की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति का प्रतीक, वो ट्रक जो गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए राजस्थान की तरफ जिस ट्रक ने मूव किया था, उस ट्रक के चारों पहियों की हवा जयपुर में निकल जाएगी, पंचर ट्रक हो जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा, और यहाँ से एक कांग्रेस के लिए एक मजबूत संदेश देश के अंदर जाने। राहुल जी की ओर से आपको भेजा गया, विधायकों से आपने 1-to-1 चर्चा की, किस तरह का फीडबैक विधायकों की ओर से मिला? सारे विधायक, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट विधायक हों, चाहे बाकी जो छोटी दल हैं जिन्होंने समर्थन किया है, एक एक के वोट के प्रति हम आश्वस्त हैं। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है बार बार कि विधायकों को प्रलोभन देने की खबरें थी, आपने भी विधायकों से चर्चा की, ऐसी कोई बात सामने आई जिन विधायकों को प्रलोभन दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति रही है पूरे देश में, हर प्रदेश के अंदर उसका चेहरा दिखाई दिया है, जो कि खरीद फरोख्त की राजनीति है, शाम नाम दंडभेद की राजनीति है। हमने मध्य प्रदेश में नज़ारा देखा, हमने गुजरात के अंदर अभी पीछे से नज़ारा देख रहे हैं, हर प्रदेश के अंदर देखा गया है। मगर तो यहाँ भी निसंदेह पूरे प्रयास हुए हैं, मगर कोई सफलता भारतीय जनता पार्टी को एक वोट की भी सफलता नहीं मिलेगी। राहुल जी की ओर से आपको भेजा गया, विधायकों से आपने जिस तरह की चर्चा की है, ये कबार बार कहा जा रहा था कि सरकार गिराने के प्रयास मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी किए जा रहे हैं, तो आपने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में क्या अंदाजा लगाया जाए कि राजस्थान में भी इस तरह के प्रयास? निसंदेह प्रयास किए गए थे, मगर उन प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। कितने वोट आज कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में कितने वोट हैं आज? जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी जीत और एक मजबूत जीत और एक शानदार जीत दोनों प्रत्याशियों की कांग्रेस पार्टी के हो गए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राजस्थान एक ऑब्जर्वर की भूमिका में आए हैं, जिनका कहना है कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की शानदार जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।